सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर यूनिवर्स की आ रही अपकमिंग फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में, जिसे लेकर रूमर ये आई है कि शायद ये फिल्म 2020 में कुछ महीनों के लिए पीछे जा सकती है। बोल तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है, जो प्रॉब्लम मॉन्स्टर यूनिवर्स के लिए भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पांस नहीं दिखाएगी तो डेफिनेटली जिस यूनिवर्स को शुरू किया जाता है उसे बंद भी कर दिया जाता है, ठीक यूनिवर्सल्स के डार्क यूनिवर्स की तरह, जिसकी अब तक कोई भी रिपोर्ट निकल कर नहीं आई है। हालांकि बीच में एक राहत भरी खबर आई थी, लेकिन जिस तरीके से अब इनविजिबल मैन फिल्म के कॉपीराइट दूसरे स्टूडियो को बेच दिए गए हैं, तो शायद हो लगता है कि डार्क यूनिवर्स की बाकी दूसरी फिल्मों के भी राइट्स कोई और स्टूडियो ले लेंगे और ऐसा ही कुछ इस मॉन्स्टर यूनिवर्स के साथ ना हो। इनमें मैं यही चाहूंगा कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ठीक ठाक कमाई कर ले, जो कि ये फिल्म करने की कोशिश कर रही है। वेल, इस फिल्म को फ्लॉप करने का अगर जिम्मा किसी पर जाएगा तो वो है फिल्म के क्रिटिक्स, जो इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, जिस वजह से शायद हो सकता है कि ऑडियंस भी इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज की वजह से इस फिल्म से दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, यानी बात करें फैंस की, तो फैंस इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि जो चीज आज तक गॉडजिला के यूनिवर्स में लोगों को नहीं देखने मिली थी, खास करके फैंस को, वो चीज यानी वो सपना गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म ने पूरा कर दिया है, और मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन अब स्टूडियो को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्रिटिक्स जो राय दे रहे हैं फिल्म से रिलेटेड वो शायद सही हो सकती है, इसीलिए वॉर्नर ब्रदर्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म शायद 13 मार्च 2020 को रिलीज नहीं होगी, यानी ये फिल्म इस तारीख से हट सकती है। और जो रिलीज डेट कन्फर्म की जाएगी उसकी डिटेल अब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, बस यही रूमर निकल कर आए हैं वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से, जिसकी डिटेल दी है टॉबी एम्बरक ने, जो वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के चेयरमैन है। वो चाहते हैं कि फिल्म की स्टोरी में शायद कुछ चेंजेस किए जाए, ताकि लोगों को इस बार सिर्फ VFX के जरिए से नहीं बल्कि स्टोरी लाइन के हिसाब से भी काफी ज्यादा पसंद आए। यानी शायद हो सकता है कि फिल्म में कुछ रीशूट्स भी हो, जिसकी वजह से फिल्म लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगे, खास करके क्रिटिक्स को। वेल, तो अब देखते हैं कि आगे चलकर वॉर्नर ब्रदर्स की तरफ से इस फिल्म की कौन सी रिलीज डेट को कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि जो रिलीज डेट मैंने आपको बताई है मार्च 13 की, वो तो अब नामुमकिन सी लग रही है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि जो चीज जो हाल बॉक्स ऑफिस पर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म का हो रहा है उसका जिम्मेदार एक्चुअल में है कौन। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।